हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे, और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग का तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीका से चल रहा होगा। दोस्तों, हम लोग का एक सीरीज चल रहा था जिसमें हम लोग देख रहे हैं जितना भी एग्जाम में अभी तक प्रश्न आया हुआ झारखंड जीके का, उसका हम लोग पूरा डिटेल्स के साथ कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग दो वीडियो के माध्यम से 20 प्रश्न कवर कर चुके थे। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग कवर करेंगे 20 से आगे का प्रश्नों को। ठीक है, और पूरी तरह से एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, क्योंकि दोस्तों ये सारा प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, इसको आपको करना बहुत ही जरूरी है, और इससे संबंधित और क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं इसको तो एकदम आपको छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम में वहीं से प्रश्न बनेगा। ठीक है, इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनता है उसी से आप लोग के एग्जाम में प्रश्न बनेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का सेशन को शुरुआत करते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर, क्योंकि हम लोग 20 तक कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। बाकी जो लोग का क्लास छूट गया है, आप लोग इसी चैनल में आप लोग प्लेलिस्ट पर चले जाइएगा। प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं, वहाँ पर देखिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ रहेगा, है ना, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं जिसका भी छूट गया है। चलिए देखिए किस समय प्रश्न क्या है। ये सारा प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, किसने किसी जिला में प्रश्न आया हुआ है। झारखंड राज्य का गठन किस राज्य से अलग करके किया गया था। बहुत हलवा सा क्वेश्चन पूछ दिया है, ये क्वेश्चन हमको नहीं लगता है किसी को पता नहीं होगा। ठीक है, तो बताइए आप लोग, झारखंड राज्य का गठन किस राज्य से अलग करके किया गया था। तो हर किसी को पता है बिहार से अलग करके झारखंड को बनाया गया है, लेकिन 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 अब आपको प्रश्न कहाँ से बन सकता है। ये तो प्रश्न पूछ दिया, अब दोबारा रिपीट होने की संभावना कम है, रिपीट होंगे बट संभावना कम है। ठीक है, तो अब कहाँ से आपको प्रश्न बनेगा। प्रश्न ये बन सकता है कि जब बिहार से झारखंड अलग हुआ तो इसको कितना भूभाग मिला था, यानी कितना इसको क्षेत्रफल, मतलब कितना इसको जमीन मिला था, कहने का मतलब। ठीक है, तो देखिएगा 46%, एकदम आप लोग नहीं भूलिएगा। ठीक है, 46% भूभाग को अलग करके झारखंड राज्य का गठन किया गया था। अब पूछ सकता है कब किया गया था, यानी गठन कब किया गया था झारखंड राज्य को। तो देखिएगा 15 नवंबर 2000 को, यानी यही प्रश्न पूछा गया आपके एग्जाम में। ठीक है, आप लोग अगर पिछले वाला सेशन किए होंगे तो वहाँ पर देखे होंगे झारखंड राज्य कब अलग हुआ है, इसको ही पूछ दिया है। ठीक है, तो यही सारा प्रश्न आप लोगों को घूमते रहेगा, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत ही लो लेवल का सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप लोग पूरा सीरीज को कर लेते हैं जो अभी चला रहे हैं हम, हमको लगता है कि इसमें 5-6 वीडियो होगा, सब वगैरह देख लेते हैं, तो लगभग हमको लगता है 5 से सीरीज के माध्यम से आप कम से कम 250 से 300 प्रश्नों को रेडी कर लेंगे, और वो सारे प्रश्न आप रेडी करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि VVI प्रश्न रहेगा वो सारा। देखो अगला प्रश्न क्या है, देखो जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में किस खेल में ओलंपिक का स्वर्ण पदक जीता था, यानी जयपाल सिंह मुंडा ने के नेतृत्व में किस खेल में ओलंपिक का स्वर्ण पदक जीता था। देखिएगा हॉकी, क्योंकि जयपाल सिंह मुंडा हॉकी से ही संबंध रखते थे, तो ऐसा ही प्रश्न पूछ सकता है कि जयपाल सिंह मुंडा किस खेल से संबंध रखते हैं। क्या देखिएगा, हॉकी से संबंध रखते हैं। काफ़ी चर्चित खिलाड़ी दीपिका कुमारी भी हैं। ठीक है, ये तीरंदाजी से संबंध रखती है। पूछेगा एग्जाम में कि दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है, तो आराम से आप लोग मान दीजिएगा तीरंदाजी। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी जो काफ़ी फेमस है, ठीक है, तो वे क्रिकेट से संबंध रखते हैं ये। अरुणा मिश्रा ये मुक्केबाज से संबंध रखते हैं, और ये सारे झारखंड के हैं फेमस खिलाड़ी। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, हम लोग थोड़ा स्पीड करेंगे। ठीक है, देखो 23 नंबर प्रश्न क्या है, झारखंड अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की सीटें क्रमशः है, बताइए। लोकसभा और राज्यसभा की सीटें क्रमशः, देख क्रमशः लिखने का मतलब है कि जो पहले लिखा उसको पहले देखना है और जो बाद लिखा उसको बाद में देखना है। देखिए यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा, तो पहले हम लोकसभा रखेंगे। देखिए लोकसभा की सीट कितना है यहाँ पर, तो 14 है। ठीक है, 15 तो है नहीं, 24 है नहीं, ये 15 भी नहीं है, 14 है, और राज्यसभा में कितना है, 6 है। अच्छा 24, एक सेकेंड, 14 होगा लोकसभा में और राज्यसभा में 6 होगा, तो 6 तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है। एक सेकेंड, इसको हम 6 बना देते हैं। ठीक है, इसको हम 6 बना देते हैं, ऑप्शन नंबर
जो भी इसको हम सेव बनाए हैं, ठीक है ना। चलो ये 14 होगा, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, गलती से लिखा गया है यहाँ पर, ये 14 होगा, ठीक है 14, ठीक है यार इसको सुधार लीजिएगा। लोकसभा में 14 सीट है और राज्यसभा में 6 सीट है। हम लोग को लोकसभा और राज्यसभा ही पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा उसका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, अब पूछेगा विधानसभा कितना, विधानसभा सीट कितना है झारखंड में, अभी देखिए चुनाव होने वाला है, ठीक है। देखिएगा निर्वाचित अगर पूछेगा तो 81 है और मनोनीत में 1 है, इसलिए टोटल 82 हो जाता है। बट अभी प्रेजेंट टाइम में मनोनीत वाला सिस्टम को भी हटा दिया गया है, अभी 81 ही सीट है, ठीक है। तो आपके एग्जाम में जिस प्रकार से प्रश्न पूछेगा उसके अकॉर्डिंग आप लोग को क्या करना है, टिक लगाना है, ठीक है। आपको 81 और 82 दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन रहेगा, हालांकि मनोनीत सिस्टम हटाया है तो 81 ही होगा, है ना। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम में मार देना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, विधानसभा में विधानसभा में झारखंड से कौन थे, चलिए विधानसभा में झारखंड से कौन थे, देखिए दोस्तों जयपाल सिंह मुंडा थे। विधानसभा में पूछा है, देखिए झारखंड से कौन थे, तो जयपाल सिंह मुंडा थे, ठीक है। चलो इसके बारे में यही सिर्फ पूछ सकता है, इसके अलावा नहीं पूछेगा, इसलिए इसको हम ज़्यादा डिफाइन नहीं किए हैं। जहाँ पूछने के सामने अधिक है वहाँ पर हम अधिक डिफाइन किए हैं, ठीक है। चलो तो हाँ देखिए, अगर जिन्होंने भी अभी तक नोट्स को नहीं परचेज किया है, आप लोग नोट्स को जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। सभी जिला का नोट्स बन के तैयार हो गया है ना, उसमें आप लोग को जिला नोट्स मिलेगा, झारखंड जी के नोट्स मिलेगा, सामान्य अध्ययन नोट्स मिलेगा, 5 प्रैक्टिस सेट भी साथ में आपको दिया जाएगा, गणित का महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेगा आप लोग को, 200 झारखंड जी के MCQ प्रश्न मिलेगा, विज्ञान का नोट्स मिलेगा, हिंदी का नोट्स मिलेगा, आया हुआ प्रश्न भी आप लोग को वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। डाउट ग्रुप भी आप लोग को बनेगा जिसमें डाउट क्लियर करेंगे हम, जैसे ही आपका एग्जाम सामने हो जाएगा आप लोगों का डाउट भी क्लियर कराया जाएगा, इसलिए एक ग्रुप भी बनाया जाता है, ठीक है। और आपको मात्र 199 रुपये ही पेड करना है, ज़्यादा आपको पेड नहीं करना है। अधिक समस्या होने पर, अगर किसी प्रकार से कोई समस्या होता है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग खुद से अगर परचेज नहीं कर पा रहे हैं ऐप में, तो आप लोग मैसेज कर दिएगा, सर हम खुद से बाय नहीं कर पा रहे हैं आपके कोर्स को, तो हम आपको वहाँ पर इनरोल कर देंगे, ठीक है। आप तो बिल्कुल घबराना नहीं है, आप लोग को नोट्स ले लेना है। चलिए अब यहाँ से हम लोग देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए 25 नंबर, मैथेन जल विद्युत केंद्र झारखंड के किस जिले में स्थित है। ये सारा प्रश्न आपके एग्जाम पूछा हुआ प्रश्न है, बार बार बोल रहा हूँ, कई सारा बच्चा का कमेंट आता है सर आप इतना आसान प्रश्न कराते हैं, क्या ये ऐसा प्रश्न पूछेगा, तो आप लोग बिल्कुल इस प्रकार का सवाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये प्रश्न दोस्तों आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो बताइए विद्युत मैथेन जल विद्युत केंद्र झारखंड के किस जिले में स्थित है दोस्तों, तो देखिएगा ये है धनबाद में, ठीक है। अच्छा कौन सा नदी पर है, कौन सा नदी संबंध रखता है ये, तो देखिएगा ब्राकर नदी, क्योंकि दोस्तों मैथेन जल विद्युत केंद्र तो पूछ चुका, अब पूछेगा कौन सा नदी पर है, यही पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखिएगा मैथेन जल विद्युत केंद्र धनबाद जिला में पड़ता है और इसका संबंध ब्राकर नदी से है, ठीक है। चलो अगर ये पूछ दिया तो सबसे फेमस, और भी सबसे फेमस दोस्तों वो है तिलैया जल विद्युत केंद्र, तिलैया जल विद्युत केंद्र, ठीक है। ये दोस्तों कोडरमा में पड़ता है और इसका भी संबंध ब्राकर नदी से ही है। फिर ये कहा जाता है पंचेत जल विद्युत केंद्र, ये दोस्तों धनबाद जिला में है और इसका संबंध दामोदर नदी से है। झारखंड का सबसे लंबी नदी दामोदर नदी है, ठीक है, इसी से संबंध रखता है पंचेत जल विद्युत केंद्र। और सौरेखा जल विद्युत परियोजना ये रांची में है और सौरेखा नाम से आप समझ रहे हैं सौरेखा नदी पर ही होगा, ठीक है। तो इतना कुछ आप लोग यहाँ से याद कर लीजिएगा। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, संथाल परगना में कुल कितने सीटें हैं, संथाल परगना में कुल कितने सीटें हैं दोस्तों। तो यह देखिएगा संथाल परगना में कुल सीटों की संख्या 6 है, ठीक है, संथाल परगना में कुल सीटों की संख्या 6 है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि झारखंड रूरल 5 प्रमंडल है, उसी में से एक प्रमंडल संथाल परगना है, ठीक है। झारखंड में टोटल प्रमंडलों की संख्या कितना दोस्तों, 5 है, देखिएगा टोटल 5, यही प्रश्न पूछ सकता है। तो झारखंड में टोटल परमंडल की संख्या 5 है और 5 परमंडल कौन कौन सा दोस्तों, तो याद रखिएगा संथाल परगना हो जाएगा, उत्तरी छोर नागपुर हो जाएगा, दक्षिण छोर नागपुर हो जाएगा, पलामू परमंडल हो जाएगा और कोल्हान परमंडल हो जाएगा, ये 5 परमंडल झारखंड में, ठीक है। तो एक परमंडल से यहाँ प्रश्न पूछ दिया है कि संथाल परगना में कुल कितने दोस्तों, कितने जिले हैं, ठीक है। तो देखिएगा 6 जिले हैं, अब जिला पूछा तो हो सके प्रखंड ही पूछ सकता है। देखिएगा संथाल परगना में 6 जिला है और 50 प्रखंड है, याद रखिएगा, ठीक है। अब उसी तरह से
उत्तरी छोड़ा नागपुर, इसमें टोटल 7 जिला है, ठीक है, इसमें टोटल 7 जिला है और प्रखंड अगर पूछेगा तो 72 है। दक्षिणी छोड़ा नागपुर में दोस्तों 5 जिला है और प्रखंड 53 है, ठीक है। पलामू प्रमंडल में 3 जिला है और प्रखंड 50 है। कोलहाल प्रमंडल में 3 जिला है और प्रखंड पूछेगा तो 38 है, ठीक है। इसको याद करिए, कौन सा प्रमंडल में कितना जिला है और कितना प्रखंड है, इसको आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है, ठीक है। यहाँ से और किस प्रकार से प्रश्न बन सकता है, यही पूछा जा सकता है कि कौन सा प्रमंडल में सबसे अधिक जिला है, कौन सा प्रमंडल में सबसे अधिक जिला है। देखिए दोस्तों, उत्तरी छोड़ नागपुर, देखिए उत्तरी छोड़ नागपुर में सबसे अधिक जिला, देखिए 7 जिला है और प्रखंड में सबसे अधिक उत्तरी छोड़ नागपुर में ही है, तो यहाँ से ये प्रश्न बन सकता है। जब अधिक बने पूछेगा तो कम भी पूछने की संभावना है, तो सबसे कम जिला कौन सा प्रमंडल में है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 प्रमंडल है, ठीक है, पलामू और कोल्हान, दोनों में 3-3 प्रमंडल है, यानी सबसे कम जिला है ना, ये दोनों प्रमंडल में सबसे कम जिला है, 3-3 जिला है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये रहेगा कि छोटा कौन है, तो ऑप्शन में ये दोनों में से कोई एक ही रहेगा, ठीक, ये दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन में रहेगा, ठीक है ना। चलो इतना आप लोग याद कर लीजिएगा, अब लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। झारखंड में छिन्नमस्तिके देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है, झारखंड में छिन्नमस्तिके देवी का मंदिर कहाँ स्थित है। देखिए दोस्तों, कहाँ है, रामगढ़ में है, तो रामगढ़ में कहाँ, राजरप्पा में, ठीक है, रामगढ़ में एक जगह है राजरप्पा, वहीं पर माँ छिन्नमस्तिके का मंदिर है। अब क्या पूछेगा, बैद्यनाथ मंदिर काफ़ी फेमस है झारखंड में, कैथागा शिव मंदिर काफ़ी फेमस है, महामाया मंदिर काफ़ी फेमस है, जगन्नाथ मंदिर काफ़ी फेमस है, सूर्य मंदिर काफ़ी फेमस है, तो यहाँ से ये प्रश्न बन सकता है। चलिए हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में भी जानते हैं। देखिए बैद्यनाथ मंदिर दोस्तों, बैद्यनाथ मंदिर कहाँ है, देवघर में, ठीक है, कहाँ है, देवघर में। थोड़ा सा यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है, बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, देखिएगा, राजा पूरनमल दोस्तों निर्माण करवाया था बैद्यनाथ मंदिर का, है ना। फिर कैथा शिव मंदिर दोस्तों कहाँ है, रामगढ़ में है, इसका निर्माण करवाया था दलेर सिंह, ठीक है। महामाया मंदिर दोस्तों कहाँ है, गुमला में है, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो गजघंट राय ने करवाया था। और जगन्नाथ मंदिर कहाँ है दोस्तों, तो ये जगन्नाथ मंदिर जगन्नाथपुर में रांची में है, ठीक है। सूर्य मंदिर कहाँ है, बुंडू में पूछा हुआ है, सूर्य मंदिर कहाँ पर है, ठीक है, और वहाँ पर बुंडू तमाड़ इस तरह ऑप्शन दिया था, तो बुंडू का लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है, जगह याद जरूर रखिएगा, जिला के साथ साथ लोग कोशिश कीजिएगा जगह का नाम भी याद करने का, ठीक है, क्योंकि जो प्रश्न पूछा था रामगढ़ चौकीदार में, वहाँ पर सिर्फ बुंडू लिखा था, है ना, जगह का नाम लिख दिया, जिला नहीं पूछा था, किस स्थान पर वो पूछ दिया था, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, झारखंड में एकमात्र एम्स किस जिला में, झारखंड में एकमात्र एम्स किस जिला में दोस्तों, देखेगा देवघर में, ठीक है, एकमात्र एम्स देवघर में है, बट देवघर का ये पूछ सकता है कि इसका मतलब कब बना था ये, है ना, एम्स जो है देवघर में कब बना था, तो 2019 में बना था, देखिएगा, ठीक है, 2019 में इसका निर्माण कराया गया था। उसी प्रकार से रिम्स का याद कर लीजिएगा, रिम्स कहाँ है, रांची में है, काफ़ी फेमस है रिम्स, रिम्स का निर्माण कब कराया गया था, तो 1950 में कराया गया था, कब बना था वो भी याद रखिए, स्थापना कब किया गया था, और साथ साथ में कहाँ पर है, ये दोनों ही चीज़ पूछेगा, दोनों चीज़ में कोई एक उठा देगा, ठीक है। तो MGM मेडिकल कॉलेज कहाँ है, जमशेदपुर में है, इसका निर्माण कब कराया गया था, तो 1964 में कराया गया था। फूलो झानागुरु मेडिकल कॉलेज कहाँ है, दुमका में है, इसका निर्माण कब कराया गया था, 2019 में। फिर शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज कहाँ है दोस्तों, ये हजारीबाग में है, इसका निर्माण 2019 में, इसका भी निर्माण कराया गया था, ठीक है। तो इतना कुछ आप लोग याद कर लीजिएगा, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। लोध जलप्रपात किस जिले में, लोध जलप्रपात किस जिले में दोस्तों, पर जलप्रपात से रिलेटेड एक बच्चा कमेंट किया था मेरे को कि सर कोई एक जलप्रपात का नाम लिखा था, शायद हुंडू जलप्रपात या नाम लिखा था, कि हुंडू जलप्रपात का निर्माण कब हुआ था। तो इस प्रकार का सवाल का आंसर
क्या हम दे पाएंगे। अब जलप्रपात कब निर्माण हुआ हमें कैसे पता चलेगा? कोई जलप्रपात तो ये प्राकृतिक है, बहुत पहले ही धीरे धीरे निर्माण हुआ होगा, जैसे जैसे पानी गिरते रहता है, जैसे जैसे कटता है पूरा, कटते कटते ऑटोमेटिक वो जलप्रपात का निर्माण ले लेता है। तो ऐसा प्रश्न नहीं पूछेगा कोई भी, है ना। एक बच्चा कमेंट किया था मेरे को कि सर होंडू जलप्रपात का निर्माण कब हुआ था, तो ऐसा नहीं है ना कि उसका निर्माण कराया नहीं जाता है, वो खुद निर्माण हो जाता है, ठीक है, धीरे धीरे। चलो क्या प्रश्न है, लो जलप्रपात किस जिले में है? तो देखिएगा ये कहाँ पर है, लातेहार में। देखिए लोध जलप्रपात कहाँ है, लातेहार में, ठीक है। अब इंकुरन जलप्रपात और भी है, जैसे कि रजप्पा जलप्रपात, ये कहाँ है, रामगढ़ में है। होंडरू जलप्रपात कहाँ है, जैसे होंडरू, दसम, जोन्हा, एक ही सारा लिख दिए हैं, कहीं तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों रांची में ही, ठीक है। होंडरू, दसम और जोन्हा, ये तीनों रांची में दोस्तों है, ठीक है। बूढ़ाघाट जलप्रपात जो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, बूढ़ाघाट, ये दोस्तों लातेहार में है, देखेगा सबसे बड़ा है ना, झारखंड का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा या ऊंचा कह लीजिए, जो आपको मर्जी वो कह दीजिए, ठीक है। बड़ा ऊंचा बूढ़ाघाट जलप्रपात दोस्तों है, जो कि लातेहार में। मोतीझर जलप्रपात ये कहाँ है, ये साहेबगंज में है, ठीक है। और बोकारो जलप्रपात हजारीबाग में। काफ़ी सारा बच्चा का क्या बोले, डाउट होगा इसमें कि बोकारो जलप्रपात, नाम से बोकारो है बट हजारीबाग में कैसे हो जाएगा, तो भाई हजारीबाग में है, अब याद कर लीजिएगा, बोकारो जलप्रपात कहाँ है, हजारीबाग में ही है, ठीक है। इसको आप लोग इतना सा जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्तों। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब तक आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है, जब तक आप ज्वाइनिंग नहीं हो जाता है, तब तक कम से कम आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाद में अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप अनसब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन अभी आपको नौकरी लेना है, आप लोग अभी जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि जो भी हम कुछ डालेंगे सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, ठीक है। इसलिए जरूर आप लोग क्या कीजिए, जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। झारखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, झारखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला दोस्तों तो वह है रांची, ठीक है। रांची में सबसे अधिक जनसंख्या तो कितना है, ये भी पूछ सकता है, क्योंकि सबसे अधिक और कम को जरूर आपको याद रखना है। सर्वाधिक जनसंख्या रांची में तो है, बट रांची की जनसंख्या कितना है, देखिएगा 29,14,253 है, 29,14,253 है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। जब अधिक पूछा तो कम भी पूछेगा, तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है दोस्तों, तो लोहरदगा है। लोहरदगा का जनसंख्या कितना है, तो देखिएगा जनसंख्या वहाँ है 461,790 है, ठीक है। ये दोनों आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। अब कुछ एक्स्ट्रा पूछ सकता है, देश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है झारखंड में, यानी पूरा देश का जनसंख्या में अगर पूछेगा कि झारखंड का जनसंख्या कितना है प्रतिशत में, तो देखेगा 2.72% है। जनसंख्या की दृष्टि से देश में स्थान है, जनसंख्या की दृष्टि में देश में स्थान है झारखंड, कितना स्थान है झारखंड का, तो 14वां स्थान है। 14वां स्थान कहने का मतलब है कि झारखंड से अधिक जनसंख्या वाला 13 जिला और भी है, ठीक है, जहाँ पर झारखंड से अधिक जनसंख्या है, तो हमारा झारखंड 14वां स्थान पर आता है, ठीक है। तो इतना कुछ आप लोग याद कर लीजिएगा, जो भी हम फैक्ट बता रहे हैं दोस्तों, इससे बाहर आपके एग्जाम में पूछने की संभावना नहीं के बराबर है, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है सर आप बताते हुए चल रहे हैं। और जो कोई भी अभी तक मेरा नोट्स को नहीं खरीदे हैं, आप लोग जरूर नोट्स को खरीद लीजिए, पूरा नोट्स आपके एग्जाम ओरिएंटेड बनाया गया है, ठीक है। बाकी वहाँ पर अगर कोर्स लेते हैं तो आपको काफ़ी सारा सुविधा भी दिया जाएगा, जो भी यहाँ पर पढ़ा रहे हैं सारा पीडीएफ आपको वहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी और भी बहुत सारा सपोर्ट आपको वहाँ पर दिया जाएगा, जितना भी करंट अफेयर है, अभी इलेक्शन होने वाला है, तो इलेक्शन से संबंधित जो भी प्रश्न बनेगा सारा प्रश्न का वीडियो बन के अपलोड हो जाएगा, नोट्स भी बन के वहाँ अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग ज़रूर नोट्स को परचेज कर लीजिए, ठीक है। और जो भी मेरा टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, तो उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, ठीक है। वहाँ से भी आप खुद से जाकर टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, खुद से आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।